हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो पर। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ प्राइस एक्शन से रिलेटेड, और खुद मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी देखते हैं यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम है एंड सेलर्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, यानी कि अभी बायर्स का दबदबा है, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का प्रयास करेंगे मार्केट में। तो गाइज, यहाँ से अभी कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो है नहीं, हालांकि बायर्स का मोमेंटम है तो उनका टारगेट भी अभी ऊपर है गाइज, तो कॉल की ट्रेड करेंगे। ओके, अगर सेल डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ट्रेड करेंगे। ओके, ये अभी यहाँ पर एक करेक्टिव वेव की स्टार्ट भी हो सकता है, तो लेट्स सी गाइज आज यहाँ पर कितनी ट्रेड्स मैं यहाँ पर करता हूँ। ओके, एंड अभी देखते हैं, इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। बायर्स का मोमेंटम है गाइज, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना करके वो ऊपर गए हैं, यानी कि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बनेगी तो वो वीक रेड कैंडल बनने वाली है गाइज। ओके, बायर्स अभी यहाँ पर वीक हो रहा है, तो लेट्स सी गाइज। ओके, अभी इसकी क्लोजिंग वगैरह देखते हैं। कैंडल्स यहाँ पर क्लोजिंग कर चुका है गाइज, तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन कैंडल बनने वाली है। ओके, ऐसा यहाँ पर मैंने क्या देख के ट्रेड प्लेस किया है गाइस, बायर्स का मोमेंटम है, ये वाली कैंडल अभी ग्रीन कैंडल बनने वाली है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग वगैरह देखते हैं, इसी वजह से यहाँ से मैंने दो ट्रेड कॉल ऑप्शन के लिए ली है गाइस। ओके, मैंने यहाँ पर इस मोमेंटम को फॉलो किया है, और भी कुछ चीज़ें होती है गाइस देखने के लिए, बट मैं यहाँ पर ओके अभी बता नहीं रहा हूँ पब्लिक पे, बट मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करके आपको दिखला रहा हूँ। ओके, तो अभी इस पे फोकस करते हैं गाइज, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे अगर ट्रेड्स मिलता है तो मार्केट में। ओके, अभी इसकी क्लोजिंग वगैरह देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो गाइज अभी देखते हैं, सेलर यहाँ पर है अभी, ये जो आप देख सकते हो ये वाली कैंडल। ओके गाइज, ये वाली कैंडल यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, एंड अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर करवा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ से मैंने अपनी ट्रेड जो है पुट ऑप्शन के लिए दो ट्रेड फिर से ले ली है डाउन डायरेक्शन की ओर, और ये वाली ट्रेड मेरी फिर से यहाँ पर विन हो जाएगी, एंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग करेगी गाइज। देखो कि मार्केट में ऐसे ही एनालिसिस करके ही ट्रेड किया जाता है गाइज आप। ओके, बायर्स एंड सेलर कहाँ पर है वो आपको पता होनी चाहिए मार्केट में, एंड बायर एंड सेलर कितनी वीक होनी चाहिए, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, वो आपको पता होना चाहिए मार्केट में। ओके, यहाँ से मैंने अपनी दो ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड ली है गाइज, आप देख सकते हो कितना डीपली मेरा यहाँ पर विन हो रहा है, बैक टू बैक यहाँ पर मैंने अभी दो दो ट्रेड्स ली है। तो लेट्स सी गाइज, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का वही पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो अभी इसकी क्लोजिंग वगैरह देखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। ओके, अगर मिलता है नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड तो फिर करेंगे मार्केट में। ओके, अभी इसकी जो क्लोजिंग हो गई है ये यहाँ पर हो गई है। ओके, तो ये वाली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। ओके, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम है गाइस, तो यहाँ पर दो कैंडल्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ओके, बट ये बायर्स इतनी स्ट्रांग तो नहीं बन सकते हैं, इसकी ओपनिंग प्राइस को ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है तो बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं गाइज इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। अगर बायर्स यहाँ से फिर से इंटरेस्टेड हुआ तो फिर देखते हैं अगली ट्रेड्स हमें कौन सी लेनी होगी। ओके, तो अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर करवा रहे हैं, अगर यहीं पर क्लोजिंग हुई तो फिर मैं यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करूँगा अपनी। ओके, तो अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर ये क्लोजिंग करवा रहे हैं। ओके, इस पर फोकस करते हैं गाइज। ओके, फोकस करते हैं इस पे, तो यहाँ से मैंने अपनी एक पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस, बट कैंडल ने यहाँ पर जंप कर दिया है, जंप अप कर दिया है, तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है। ओके, जो लेवल था गाइस ये वाली लेवल थी, और बायर्स ने उसे स्किप कर दिया है, तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है गाइस। ओके, तो लेट्स सी गाइज, अभी इसकी क्लोजिंग पर ही निर्भर रहेगी कि ट्रेड मेरी यहाँ पर विन होगी या फिर लॉस होगी। हालांकि एक ऊपर भी रेजिस्टेंस है वो डोजी का, बट अभी देख ही लेते हैं, अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, अगर ये ग्रीन बनती है तो ट्रेड हमारी यहाँ पर लॉस हो जाएगी गाइज। ओके, तो लेट्स सी, हालांकि ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इन्होंने इस रेजिस्टेंस को स्किप कर दिया है जहाँ पर सेलर अवेलेबल है, बट ये एक जोन यहाँ पर बन रहा है सेलर का पूरा, तो हो सकता है कि सेलर्स यहाँ पर आ जाएं।
तो गाइज अभी देखते हैं ये वाली ट्रेड मेरे यहाँ पर लॉस होती है या फिर विन हो जाती है। ओके ओके गाइज, ये वाली ट्रेड मेरे यहाँ पर विन हो चुकी है। ओके बट अभी ट्रेड लेने का कोई कारण नहीं है। ओके बट यहाँ पर अभी थोड़ा प्राइस में थोड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हुआ था, और अभी देखते हैं कि ये वाली कैंडल कौन सी बनती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे गाइज मार्केट में। ओके तो लेट्स सी गाइज, अभी वेट कर लेते हैं। ओके यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बायर्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट बने हैं अभी अभी, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक डब्ल्यू सॉरी एम पैटर्न भी यहाँ पर बन सकता है मार्केट में। ओके तो लेट्स सी गाइज, अगर यहाँ पर ये वाली कैंडल रेड कैंडल बनती है तो अगली रेड कैंडल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है कैंडल्स की प्राइस की, वो आनी चाहिए मार्केट में। ओके एंड वही उसी से सब होता है, अगर आपको साइकोलॉजी आ रही है कैंडल्स की तो फिर आने लगा सब चीज़। ओके तो गाइज अभी देखते हैं। ओके तो ये वाली कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है और वो की लेवल पर ही है गाइज। ओके यहाँ से मैंने अपनी पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, बट एंट्री पॉइंट मेरी नीचे जा करके लगी गाइज। देखो कि यहाँ से मैंने अपनी पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है गाइज, बट यहाँ पर सेलर वीक है। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ वीक है, क्योंकि उनसे इस इवनिंग स्टार का की लेवल जो है वो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पर सेलर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक है गाइज। तो ये वाली ट्रेड मेरे यहाँ पर लॉस हो सकती है, बट जब सेलर्स ने यहाँ पर एफर्ट लगाया यहाँ तक आने के लिए, तो ये वाली कैंडल आ सकती है यहाँ तक। ओके अगर असल में सेलर यहाँ पर वीक है, अपने की लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, तो ये वाली ट्रेड मेरे यहाँ पर लॉस हो जाएगी। ओके फिर यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि सेलर यहाँ पर वीक है मार्केट में। ओके तो अभी देखते हैं, 5 सेकंड बचे कैंडल के क्लोजिंग होने में और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस हो गई है गाइज। ओके यानी कि नीचे बायर्स अवेलेबल है मार्केट में, सेलर से उनका की लेवल ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गाइज कि वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं तो कैंडल्स ग्रीन बनेगी। ओके वो बन सकती है ग्रीन, और पिछली कैंडल्स पर हमने बायर्स की एंट्री भी देखी है गाइज। इस डोजी कैंडल पर बायर्स की एंट्री हुई थी। ओके इसी वजह से ये वाली कैंडल पहले ऊपर गई है। ओके यानी कि बायर्स की एंट्री हुई है। तो गाइज अभी देखते हैं, अगर यहाँ पर ट्रेड मेरी विन हो जाती तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके यहाँ से मैंने अभी 2 ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए प्लेस किए गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी जो है, प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, उसको रेट कर लिया है। ओके तो ये वाली ट्रेड मेरे यहाँ पर विन हो रही है गाइस। अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर ये क्लोजिंग करवा रहे हैं। वहाँ पर डोजी का लेवल है, बट वो उतना खास लेवल नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि बायर्स को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है सेलर्स के द्वारा। तो ये वाली कैंडल भी एक रेड कैंडल बन जाएगी गाइस, बट मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही रीज़न है, आप देख सकते हो डोजी कैंडल्स बनी है, तो ये वाली ट्रेड जो है छोड़ना पड़ेगा। ओके